हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इमोट्रॉन वीएसयू ड्राइव में थ्री वायर सिस्टम कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं ड्राइव में पोटेंशियोमीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, ड्राइव स्टार्ट स्टॉप के लिए पुश बटन कनेक्शन किस तरह किया जाता है, एमएडीएम ड्राइव से किसी मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ डायरेक्शन में रन करना तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, एम यदि हमें ड्राइव से किसी मोटर की फ्रिक्वेंसी को पुश बटन के जरिए इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो स्पीड पुश बटन के जरिए इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से की जाएगी, इसके लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, कौन कौन से पैरामीटर्स सेट करना होंगे, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने इमोट्रॉन वीएसयू ड्राइव में टू वायर सिस्टम कनेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें हमने टू वायर सिस्टम का कनेक्शन तीन तरह से सीखा था। यदि आपने अब तक वह वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए पहले यदि हम कंट्रोल टर्मिनल्स और पावर टर्मिनल्स की बात की जाए तो जो पावर टर्मिनल्स होते हैं वहां पर हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है और जो कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर हमें कंट्रोल वायरिंग करना होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्राइव में कौन कौन से टर्मिनल्स गिवन है। सबसे पहले यदि पावर टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L1, L2 एंड L3 होते हैं। ये हमारे पास इनपुट सप्लाई के लिए होते हैं, आप देख सकते हैं। B1 एंड B2 ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए होते हैं, यहाँ पर हम ब्रेकिंग रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। UV एंड W यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आउटपुट सप्लाई होती है जो कि हमारे मोटर टर्मिनल्स में जाती है और ये हमारे पास अर्थिंग के लिए पॉइंट होता है। तो इसकी जो पावर वायरिंग होती है काफ़ी सिंपल होती है। यदि कंट्रोल टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव 10 वोल्ट देखा जाती है, हमारे पोटेंशियोमीटर में पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जाती है। यहाँ पे A01 ये हमारे पास एनालॉग आउटपुट होता है। यदि हमें कम्युनिकेशन के जरिए कुछ कनेक्शन करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं पॉजिटिव 485 या RS-45 केबल यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन होने वाला है। X1 से लेकर X6 तक टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिटल इनपुट होते हैं जिसमें हम कनेक्शन कर सकते हैं, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स इनके लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास 6 डिजिटल इनपुट होते हैं, 5 हमारे पास डिजिटल इनपुट होते हैं और 6 जो होता है ये डिजिटल इनपुट पल्स के लिए होता है। यदि हमें इन द फॉर्म ऑफ पल्स कोई कनेक्शन करना हो तो हम डिजिटल इनपुट 6 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे GND देखा जाए तो एक ग्राउंड टर्मिनल होता है या 0 वोल्ट एक कॉमन टर्मिनल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AI1 बेसिकली एनालॉग इनपुट फर्स्ट होता है, या पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर ड्राइव में जाता है एनालॉग इनपुट फर्स्ट के जरिए, यहाँ पर एनालॉग इनपुट सेकंड होता है, ये GND एक ग्राउंड होता है। कम्युनिकेशन के लिए यदि हम कोई कनेक्शन करते हैं तो उसका जो ग्राउंड होने वाला है हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव 24 वोल्ट होता है। यदि हम बेसिकली हमें भी जो ड्राइव का कनेक्शन करना होता है वो हम सोर्स मोड में करते हैं या PNP मोड में करते हैं तो उस कंडीशन में जो कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव 24 वोल्ट से करते हैं, तो हमें यहाँ से कनेक्शन करना होता है। यदि हम पॉजिटिव 24 वोल्ट को डिजिटल इनपुट को डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं तो हमारी ड्राइव रन होती है। यदि हम 24 वोल्ट को X1 से शॉर्ट करते हैं तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगी, यदि हम इसे X2 से शॉर्ट करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर सेट करना होगा, कौन से पैरामीटर होगा, किस तरह कनेक्शन होगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ये PLC के लिए पॉइंट होता है, कॉमन होता है। Y1 एंड Y2 देखा जाए तो डिजिटल इनपुट होता है और यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉमन टर्मिनल होता है। चलिए अब किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हमें ड्राइव की स्पीड को पोटेंशियोमीटर के जरिए इंक्रीज डिक्रीज करना है तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, एंड यहाँ पे हमें स्टार्ट के लिए पुश बटन कनेक्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, स्टार्ट रिवर्स के लिए कनेक्ट करना है यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना हो तो उसके लिए एक पुश बटन कनेक्ट करना है कि स्टॉप के लिए पुश बटन कनेक्ट करना है। तो चलिए इन सब का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम काफ़ी आसान तरह से सीख लेते हैं। सबसे पहले यदि पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन की बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर को आपको इस तरह एक रेजिस्टेंस बीच में कनेक्ट होगा और इसके ऊपर एक वेरिएबल आपको मिलने वाला है। तो जो रेजिस्टेंस की कॉइल होती है वहाँ पर आपको 10 वोल्ट और 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है। ये जो वेरिएबल होता है ये पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 10 वोल्ट कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है और ये आउटपुट होता है। तो देखिए हमने क्या किया, 10 वोल्ट यहाँ पर सबसे पहले लिया है और उस पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर दिया है। देखिए पॉजिटिव कनेक्शन हो चुका है। ये ग्राउंड हमारे पास 0 वोल्ट होना है तो इसे हम पोटेंशियोमीटर के यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं 1 नंबर पॉइंट में। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होने वाला है। देखिए पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे तो हमारे यहाँ से वोल्टेज निकलेगा
और यह जाएगा हमारा एनालॉग इनपुट फर्स्ट में। तो ड्राइव को बेसिकली कमांड इस पोटेंशियोमीटर का आउटपुट हमारे पास एनालॉग इनपुट फर्स्ट में यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब यदि फॉरवर्ड रिवर्स एंड स्टॉप की वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव 24 वोल्ट आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे पीएनपी मोड में कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से 24 वोल्ट हमारा सबसे पहले आया फॉरवर्ड पुश बटन में, यहीं से हम एक लूपिंग रिवर्स पुश बटन में कर लेते हैं और यहीं से एक लूपिंग हम स्टॉप के लिए पुश बटन है इसमें कर लेते हैं। देखिए हमें एक्स वन के लिए क्या करना है, फॉरवर्ड रोटेशन के लिए करना है, एक्स टू को रिवर्स रोटेशन के लिए करना है और एक्स थ्री को स्टॉप के लिए करना है। तो पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं, फिर किस तरह से कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हम इस फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं यहाँ से हमारी सप्लाई निकलती है और ये जाती है डिजिटल इनपुट फर्स्ट में एक्स वन में, जिसे हमने फॉरवर्ड के लिए असाइन किया है। देखिए रिवर्स के लिए बात की जाए तो जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करते हैं यहाँ से सप्लाई निकल के हमारे एक्स टू में जाती है, जिसे हमने रिवर्स के लिए रिवर्स रोटेशन के लिए असाइन किया है, और एक्स थ्री को हमने स्टॉप के लिए असाइन किया है। इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर सेट करना होगा, वह भी हम देखने वाले हैं। देखिए जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं यहाँ से हमारा सिग्नल जाएगा और एक्स थ्री में कनेक्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं एक्स थ्री में हमारे यहाँ तो हमारे स्टॉप के लिए कनेक्शन हो चुका है। चलिए ये तो हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर से किस तरह स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जाएगा एंड पुश बटन के जरिए बेसिकली किस तरह से स्टार्ट स्टॉप किया जाएगा फॉरवर्ड में एंड रिवर्स में। अब यदि हमें बेसिकली देखा जाए तो स्पीड को जो कंट्रोल करना है वो पोटेंशियोमीटर के जरिए ना करके दो पुश बटन के जरिए कंट्रोल करना है, तो किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज की जाएगी फ्रिक्वेंसी को हम समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए हमें दो पुश बटन कनेक्ट करना होगे, ये हमारा जो पुश बटन होने वाला है इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्वेंसी को और ये पुश बटन हमारा डिक्रीज करने के लिए है फ्रिक्वेंसी को। बाकी ये हमारा कनेक्शन सेम रहने वाला है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो 24 वोल्ट आया है इस कंडीशन में हमें जो कनेक्शन करना है वो 24 वोल्ट से करना है। नॉर्मली पोटेंशियोमीटर में हम 10 वोल्ट से करते हैं बट पुश बटन से इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है तो इस कंडीशन में हमें 24 वोल्ट के ही सप्लाई को लेना होगा। देखिए यहाँ पर हम 24 वोल्ट के सप्लाई को लेते हैं इसे, और इसे ले जाकर हम बेसिकली देखा जाए तो दोनों पुश बटन के इनपुट में हमें इन्हें कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोनों पुश बटन में। चलिए अब इन पुश बटन का आउटपुट कनेक्शन हमें कहां पर करना होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जो X4 को असाइन किया है वो इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्वेंसी को असाइन किया है और X5 को हमने फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करने के लिए असाइन किया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से इनकी वायरिंग की जाएगी। सबसे पहले यहाँ से देखिए जैसे ही डिक्रीज पुश बटन को हम प्रेस करते हैं, देखिए डिक्रीज पुश बटन को प्रेस करते ही हमारी सप्लाई निकलेगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है X5 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिक्रीज पुश बटन का हमारा कनेक्शन हो चुका है। जैसे डिक्रीज पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर की जो फ्रिक्वेंसी होने वाली है वह डिक्रीज होने वाली है। जैसे ही हम फॉरवर्ड को या इंक्रीज को प्रेस करते हैं, देखिए फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए प्रेस करते हैं, उसे हमें ले जाकर X4 में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बेसिकली फॉरवर्ड रिवर्स एंड स्टॉप टर्मिनल का कनेक्शन भी हो चुका है पुश बटन का एंड फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए पुश बटन का कनेक्शन भी हो चुका है। चलिए अब इन सब कनेक्शन के लिए हमें कौन से पैरामीटर सेट करना होंगे। पोटेंशियोमीटर के लिए क्या पैरामीटर होने वाला है, थ्री वायर सिस्टम के लिए क्या पैरामीटर होने वाला है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए क्या पैरामीटर होने वाला है पुश बटन के जरिए, और इन डिजिटल इनपुट को किस तरह हम असाइन करेंगे वैल्यू, सब कुछ हम समझ लेते हैं। चलिए कौन कौन से बेसिक पैरामीटर हमें सेट करना हो गया समझ लेते हैं। चलिए यदि पैरामीटर्स की बात की जा रहा है, वैसे तो हमें कई पैरामीटर्स सेट करना होते हैं ड्राइव को इंस्टॉलेशन के लिए, बट आज के समय में हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखने वाले हैं। जैसे कि पोटेंशियोमीटर से रन करने के लिए ड्राइव में हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा, पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप के लिए क्या पैरामीटर सेट करना होगा, टू वायर थ्री वायर सिस्टम के लिए हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा, तो सब कुछ हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोटेंशियोमीटर के लिए हमें क्या पैरामीटर यहाँ पर सेट करना होगा। देखिए सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के लिए जो पैरामीटर होने वाला है वो B001 होने वाला है, जो कि होता है मास्टर फ्रिक्वेंसी कमांड सोर्स। हमें जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कहाँ से करना है, यदि आप ड्राइव के ऊपर जो कीपैड गिवन है उस कीपैड के जरिए आप ड्राइव की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जीरो रख दीजिए B001 में। यदि आप पुश बटन के जरिए फ्रिक्वेंसी को अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो वन सेट कर दीजिए, जैसा कि हमने पुश बटन के जरिए फ्रिक्वेंसी को अप एंड डाउन सेकंड पोजीशन में या सेकंड कनेक्शन में किया था, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे वन सेट करना है। यदि आप पोटेंशियोमीटर के जरिए फ्रिक्वेंसी को अप एंड डाउन करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे 2 सेट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमें 2 सेट करना है क्योंकि हमने पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज एंड डिक्रीज किया था, एंड सेकंड कंडीशन में हमने पुश बटन के जरिए किया था, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे 1 सेट करना होगा। तो चलिए तो पोटेंशियोमीटर की बात हो चुकी। अगला पैरामीटर आता है रन कमांड, हमें कहाँ से देना है ड्राइव को रन करने के लिए। रन कमांड के लिए हमारे पास जो पैरामीटर होने वाला है वो है B100 जो कि होता है रन कमांड के लिए। यदि हमें ड्राइव के ऊपर जो कीपैड गिवन है कीपैड से स्टार्ट स्टॉप करना है तो हमें यहाँ पे 0 सेट कर देना है। यदि हम पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 1 सेट करना है, या हम यदि कभी किसी कम्युनिकेशन के जरिए स्टार्ट स्टॉप करने वाले हैं तो यहाँ पे हमें 2 सेट करना है। बट हमने क्या किया है, ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पुश बटन का यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे टर्मिनल कंट्रोल पर सेट करना होगा। यहाँ पे B100 में हमें 1 सेट करना होगा। चलिए अब डिजिटल इनपुट के लिए हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा, किसे क्या फंक्शन हमें असाइन करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनके लिए जो डिजिटल इनपुट के लिए पैरामीटर होने वाले हैं वो है C001 से लेकर के C006 तक। इसमें हमें हर एक डिजिटल इनपुट में हर एक को अलग अलग फंक्शन असाइन करना है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम X1, जो हमारे पास डिजिटल इनपुट X1 टर्मिनल है, उसमें हमें क्या फंक्शन रखना है समझ लेते हैं। उसके लिए जो पैरामीटर है C001 है। यदि हमें क्या करना है, उसे इंचिंग फॉरवर्ड करना है तो हम यहाँ पे 1 सेट कर सकते हैं, इंचिंग रिवर्स करना है या जॉग रिवर्स करना है तो हम यहाँ पे 2 सेट कर सकते हैं, यदि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को रन करना है तो यहाँ पे हम 3 सेट कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है तो हम यहाँ पे 4 सेट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे अदर भी इस तरह से जो फंक्शन दिया गया है। बट हमने X1 में क्या किया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए सेट किया था, तो हमें यहाँ पर C001 में आकर 3 सेट कर देना है। X2 को हमने रिवर्स डायरेक्शन के लिए असाइन किया है तो C002 में जाकर हमें यहाँ पे 4 सेट कर देना है। इसके अलावा हमने C003 को, जो X3 टर्मिनल है, उसे हमने क्या किया, एक्सटर्नल स्टॉप के लिए सेट किया है तो यहाँ पर आकर हमें 7 सेट कर देना है एक्सटर्नल स्टॉप। दैट मीन C003 में हमें जाकर एक्सटर्नल स्टॉप को सेट कर देना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं C004, इसे हमने क्या सेट किया था, हमने सेट किया था टर्मिनल अप, दैट मीन फ्रीक्वेंसी अप करने के लिए X4 को यूज़ किया था, एंड फ्रीक्वेंसी डाउन करने के लिए X5 को यूज़ किया था। तो हमें X4 में 12 सेट कर देना है और X5 में यहाँ पे 13 सेट कर देना है, या C005 में हमें 13 सेट कर देना है। तो आपने देखा, हमने डिजिटल इनपुट को सबको अलग अलग फंक्शन असाइन कर दिए हैं, X1 को फॉरवर्ड के लिए, X2 को रिवर्स के लिए, X3 को एक्सटर्नल स्टॉप के लिए, X4 को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज के लिए, एंड X5 को फ्रीक्वेंसी डिक्रीज के लिए। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है, हमें ड्राइव को 2 वायर सिस्टम में रन करना है या 3 वायर सिस्टम के लिए। इसके लिए जो पैरामीटर है वो है C019। इसमें जाकर हमें सेट करना होता है कि हमें ड्राइव को 2 वायर सिस्टम से रन करना है या 3 वायर सिस्टम से रन करना है। इससे पहले हमने 2 वायर सिस्टम के ऊपर 3 टाइप से कनेक्शन सीखे थे। तो यदि आप ड्राइव को 2 वायर सिस्टम में रन कर रहे हैं तो आप इसमें 1 सेट कर सकते हैं, बट हमने इस वीडियो में 3 वायर सिस्टम के जरिए कनेक्शन किया था तो हमें यहाँ पर 2 सेट करना होगा। C019 में आके हमें 3 वायर सिस्टम के लिए 2 सेट करना होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कनेक्शन किया जाता है, किस तरह 3 वायर सिस्टम में पोटेंशियोमीटर से स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, पुश बटन के जरिए इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।